हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन चैनल। तो गाइस, हर बार की तरह काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़, तो इसे न्यूज़ कहें या फिर गुड न्यूज़, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक ये कैरी फैंस के लिए बैड न्यूज़ होगी और आमिर सिद्दीकी के फैंस के लिए गुड न्यूज़ होगी। कैरी फैंस के लिए यहाँ पे दो न्यूज़ है। तो पहली न्यूज़ है वो ये कि आमिर सिद्दीकी का टिकटॉक अकाउंट जो बैन कर दिया था टिकटॉक ने, वो टिकटॉक ने एक बार फिर इन्हें वापस कर दिया है। अगर आप जाते हैं टिकटॉक के ऊपर और सर्च करते हैं आमिर सिद्दीकी, तो पहले जो नोटिस आता था कि इनका जो मल्टीपल वायोलेशन के कारण अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, अब वो नोटिस हट गया है और आप उनके वीडियो जो पहले की तरह से देख सकते हैं। तो दूसरी जो न्यूज़ है वो ये कि टिकटॉक की जो रेटिंग है वो एक बार फिर से बढ़ गई और हो गई है 2.9। तो फिर आई थिंक ये एक बैड न्यूज़ हो सकती है कैरी फैंस के लिए। आपको क्या लगता है अपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है अमित बड़ाना और अक्षय कुमार सर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है अमित बड़ाना के 20 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो फिर इसी में खुश होते हुए उन्होंने अक्षय सर को जो टैग करते हुए ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया है। तो फिर वो ट्वीट भी बताता हूँ, उसके रेस्पॉन्स में अक्षय कुमार सर ने क्या कहा है तो वो भी बताता हूँ। तो पहले देखते हैं अमित बड़ाना के ट्वीट। गुरु जी लव यू सो मच, आज जहाँ भी हूँ आपका प्यार और ब्लेसिंग हमेशा साथ है। 20 मिलियन सिर्फ एक नंबर है, उसके साथ जीवन में उतार चढ़ाव से कैसे लड़ें ये आपसे बेहतर कौन समझा सकता था। आपसे बड़ा कुछ सीखता हूँ, आप कमाल हैं। सो गाइस, अमित बड़ाना की इस ट्वीट की रिप्लाई में अक्षय कुमार सर ने लिखा है, आपको बहुत बधाई हो अमित, आप खूब तरक्की करें, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। सो गाइज, अगली न्यूज़ निकल के आती है मिस्टर फेजू की तरफ से। तो यहाँ पे आपको पता है मिस्टर फेजू ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ईद के मौके पर एक दूसरा बाली व्लॉग अपलोड किया था। फिर उसके ऊपर भी जो दर्शकों का जो प्यार है वो दिखा, लाइक वाला नहीं डिसलाइक वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4-4.5 लाख से भी ज़्यादा है वो लोगों ने डिसलाइक किया इस वीडियो को। आपने लाइक किया डिसलाइक किया मुझे अपने रिकमेंड में ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है रिवॉल्वर रानी की तरफ से। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है रिवॉल्वर रानी अभी कुछ दिनों से जो इंस्टाग्राम या फिर जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उनसे दूर रह रही थी, अब जाके इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कुछ पोस्ट डाली हैं, तो जिसके अंदर उन्होंने किसी पर्सन को टारगेट करते हुए कुछ पोस्ट किए। तो फिर मैं आपको वो पोस्ट बताता हूँ और इस पोस्ट को पढ़ने के बाद या फिर जानने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन्होंने किसे टारगेट करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं वो पोस्ट। कंटेंट बनाकर सब हट जाते हैं पीछे, खुद सो जाते हैं चैन की नींद, क्योंकि लाइक्स तो आ रहे हैं उनके, पर किसी को रात भर नींद नहीं आती क्योंकि अपने कमेंट्स पढ़ रहा है वो। जिस माँ बाप भाई बहन की इज्जत हमेशा उसने करी है, आज उन्हीं के लिए गालियाँ सुन रहा है वो। अगर स्क्रीनशॉट दिखा दिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे सबके, जो पूछते हैं ना रानी आजकल पोस्ट क्यों नहीं करती हो। जब जिसको मेरी ज़रूरत थी तब साथ दिया मैंने, जेब में रखो अपनी झूठी सिंपथी, उससे बहुत आगे हूँ मैं। जब वीडियोस डिलीट हुई थी सबकी, खुद जाके उनका हाल पूछा है। जब रिकॉर्डिंग लीक हुई किसी की, उसको वहाँ गलत भी कहा है। पर एक महीने से ये समझ में नहीं आया कि 4 घंटे लगाकर क्या गलत किए कर दिया मैंने, जो हर कोई आके गाली दे जा रहा है। खुद को दोस्त बताया था मेरा, पर जब ज़रूरत थी तो एक भी नज़र मुझे आया नहीं। लाइक्स व्यू और फॉलोवर के चक्कर में मेरी ही सेंसिटिविटी की ऐसी की तैसी कर दी। हाँ कर दिया था मैंने ये टॉपिक एंड पर, लगता है लोगों को बात समझ में आई नहीं। आई होप गाइस कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद है इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है वो टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।